प्रिय रंजन और डिस्कस करेंगे टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। इसके टिनप्लेट के मर्जर के डेट 19 जनवरी है। आगे के ट्रेंड को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। और यहाँ एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले यहाँ मैंने ये तो बता दिया कि 19 जनवरी रिकॉर्ड डेट है मर्जर को लेकर के, लेकिन मर्जर का क्या रेशियो है देखते हैं कितने लोगों को पता है। मैंने कई बार आपको बताया है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहां देखें तो डिलीवरी इस स्टॉक में बेटर दिख रही है और जो ट्रेंड है यहां देखेंगे ट्रेंड जो है वो भी सेक्टर के कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, डिलीवरी भी बेटर है। कुछ बड़े अपडेट्स नहीं है मर्जर के अलावे, मर्जर ही एक बड़ा एक अपडेट्स है। और यहां देखेंगे एक दूसरी अपडेट्स आज के ही है। यहां क्या है इफेक्टिव डेट टाटा स्टील एंड टिनप्लेट वाले ही न्यूज है। और इसके मुझे मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि रेशियो क्या है, टिनप्लेट के कितने शेयर होंगे तो टाटा स्टील के कितने शेयर मिलेंगे, कितने लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। 3.5 CR का वॉल्यूम, नॉमिनल बाइंग क्वांटिटी, 53% डिलीवरी। और एक बार अगर हिस्टोरिकल चार्ट को ही देखेंगे तो इस समय वॉल्यूम जो है वो कंसोलिडेट फॉर्म में है। और यहाँ देखेंगे स्टॉक का ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कह सकते कि स्टॉक वीक हो गया। यहाँ से जो ये सपोर्ट बनाया है यहां से हर बार एक डीप लेता है ट्रेंड कंटिन्यू, डीप लेता है ट्रेंड कंटिन्यू, तो ये कंसोलिडेट जोन है जहां नीचे की तरफ ये डिमांड बनने वाला है। 128 से लेकर के यहां मैं आपको दिखाऊं तो 128 टू 132 विल बी द बेस्ट डिमांड जोन एज ऑफ नाउ। और जो बड़े ब्रेकआउट हैं वो ब्रेकआउट मुझे लगता है कि 140 के ऊपर दिखेगा क्योंकि ये सप्लाई जोन आएगा। तो अगर आप लॉन्ग हैं तो 132 के SL को ट्रेल करें या फिर 130 के SL को लें। अगर आप शॉर्ट हैं तो 138 के SL को ट्रेल करें नीचे के लिए, लेकिन एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है 140 या फिर 128 के नीचे या ऊपर ही दिखेगा। इस समय पूरा कंसोलिडेट फॉर्म में